अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान और रोज़े? आज हम जा रहे हैं दोबारा शॉपिंग पे, क्योंकि लास्ट टाइम ये मेरे साथ नहीं थे। इनके कपड़े अभी रहते हैं, ईद की शॉपिंग रहती है और हमें मिली है ईदी भी। मुझे भी मिली है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जिसने भेजी है। वो है इनके चाचू और मेरे देवर, जो हमेशा की तरह इनके साथ मुझे भी ईदी भेजते हैं। और अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। तो हम चलते हैं मॉल और देखते हैं। मेरी शॉपिंग तो हो चुकी है, अब बारी है इन लोगों की, तो इनकी वजह से दोबारा मुझे जाना पड़ रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। इनकी वजह से जाना पड़ रहा है ना। सबसे पहले तो वहीं जा रहे हैं, डॉलमेन मॉल जो क्लिफ्टन का है, क्योंकि वो हमें वहाँ एथनिक पे मुझे बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन नज़र आए थे और मैं चाह रही हूँ कि ये लोग भी एक दफ़ा वहाँ देख लें और आपको भी दिखाते हैं। और ये जो उन्होंने पहना हुआ है अभी, ये एथनिक का ही सूट है। और अगर आप में से किसी को मंथ्स के नाम याद नहीं तो ये सूट आपके बहुत काम आएगा। ये जून और ये अप्रैल और जनवरी, और मेरा कहाँ है, हाँ जी अगस्त में मेरी आती है बर्थडे, सो आई फाउंड अगस्त हेयर। हम लोग पहुँच चुके हैं डॉलमेन मॉल में। सबसे पहले जाना तो हमें एथनिक पे ही था, मगर इमेज का आउटलेट सामने नज़र आया तो हमने सोचा कि पहले यहाँ ट्राई कर लेते हैं, और लकीली हमें यहाँ से एक सूट पसंद आ गया। सूट डन करने से पहले इसे ट्राई करना, पहन के देखना, चेक करना ज़रूरी होता है। बहुत ही क्यूट और सोफिस्टिकेटेड किस्म का सूट है, और इसका जो ट्राउज़र है वो ट्यूलिप स्टाइल का बना हुआ है। स्टिचिंग भी बहुत ज़बरदस्त है और लेस भी लगी हुई है, तो ये डन कर लेते हैं। डन। सो फाइनली एक सूट डन हो चुका है। पूरिया ने डन कर लिया है सूट। भूख लगी है, चले खाते हैं कुछ। तो जी बस अब हम आ चुके हैं फूड कोर्ट में, थोड़ा सा खा पी के और फिर एक और राउंड ले लेंगे और कुछ और कपड़े देखने हैं। एथनिक पे जाना भी अभी बाकी है। यहाँ मुझे नज़र आया है तकसीम स्क्वायर, जो कि टर्की की एक मोस्ट फेमस टूरिस्टिक प्लेस का नाम है, और यहाँ इन्होंने टर्किश फूड रखा हुआ है। तो चेक करते हैं पीदे, जो कि पिज़्ज़ा है, टर्किश पिज़्ज़ा, और देखते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा है। 900 का पिज़्ज़ा था और 117 इसमें टैक्स इंक्लूड किया गया था। टेस्ट तो पीदे जैसा बिल्कुल भी नहीं था, और टॉपिंग जो थी वो कबाब की थी। अगर तो सेम पीदे वाला फ्लेवर लाना है तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वेरी डिलीशियस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आइए एक और ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये है फ्रूटजी की कार्ट। और यहाँ क्या क्या मिलता है आइए देखते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो ड्राइड फॉर्म में मिलेंगे, जो कि जूसी भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। अगर आप में से कोई ऑनलाइन मंगाना चाहता है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अच्छा, ये जो मसाला है ये क्या है, कहाँ कहाँ डाल सकते हैं हम लोग? चाट में, चने चाट और फ्रूट चाट मिक्स। ये सामने क्यों नहीं रखे आपने? अच्छा, ये कितने का है ये वाला? 250। और ये 200। जबरदस्त। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें स्ट्रॉबेरी है, वाटरमेलन है, बनाना है, एप्पल है। ये क्या चीज़ है? ये है खजूर से बने हुए लड्डू। अच्छा, ये और आपके पास हनी भी है। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppets.
और अब पहुंच चुके हैं स्टाइलो पे और यहाँ है बहुत ही जबरदस्त से डिजाइंस। ये सैंडल्स जो आप देख रहे हैं ये ट्रेंडी भी हैं और बहुत ही कंफर्टेबल भी। बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है इसमें, लाइट कलर्स में भी आपको सैंडल्स मिल जाएंगे और हमने न्यूट्रल और लाइट पिंक कलर में टोटल 3 सैंडल्स हमने बाय किए हैं। अकॉर्डिंग टू हूरिया इन सैंडल्स को देख के थोड़ा सा उर्दू टीचर वाली फीलिंग आ रही है। सबके बचपन में एक उर्दू की टीचर ज़रूर स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जस्ट किडिंग। चलें जी और कुछ डिज़ाइंस देख लें और फिर चलते हैं एथनिक की तरफ। एथनिक पे आपको मिल जाएंगे हर किस्म के कपड़े, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए और हर किस्म के लिए। मींस के अगर आप कैजुअल लेना चाह रही हैं, फॉर्मल लेना चाह रहे हैं, ईद के लिए कुछ लेना चाह रहे हैं, पार्टी वेयर भी है और शादी ब्याह के कपड़े भी यहाँ पे बहुत अच्छी डिज़ाइंस में मौजूद है। और यहाँ मौजूद है कुछ स्टाइलिश ज्वेलरी भी, टॉप्स हैं, इयररिंग्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं। कुछ नज़र आया आपको? यहाँ रखा हुआ है इनके पास अनस्टिच्ड कपड़ा। डॉलमेन माउंट क्लिफ्टन कराची में बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है क्योंकि ये बहुत बड़ी शॉप है। एरिया वाइज, कलेक्शन वाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पे कपड़े मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस में मौजूद हैं। बस ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है और मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैरायटी दिखा सकूं, कलेक्शन दिखा सकूं। मगर जैसा कि यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी शॉप है तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो गई हों। और बस अब हमारी वापसी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी रश भी है ईद की वजह से, मगर यहाँ शॉपिंग बहुत सुकून से हो गई क्योंकि बहुत बड़ा मॉल है और काफ़ी स्पेस है लोगों के लिए। बस अब हम सब जाएंगे नीचे बेसमेंट में जहाँ पे पार्किंग है। तो फाइनली शॉपिंग हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।